बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने पोस्ट की वजह से हमेशा विवादों में रहती हैं। वहीं ट्विटर पर भारत सरकार द्वारा लगाम लगाने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज आती नजर नहीं आ रही हैं, जिसके चलते उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के MD मनीष महेश्वरी भी इस पचड़े में फंस गए हैं। उनके खिलाफ तिलक नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर स्वरा के लाखों फॉलोवर्स हैं। ऐसे में आपत्तिजनक वीडियो शेयर करके उन्होंने नागरिकों के बीच नफरत फैलाने का काम किया है। चलिए अब इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल स्वरा भास्कर ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स को वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसी वजह से लोगों ने उसकी दाढ़ी भी काट दी थी। उन्होंने बुजुर्ग की बहुत पिटाई भी की थी। मारपीट के इस वीडियो में एक धर्म विशेष पर नारे लगवाने की बात भी की जा रही थी। हालांकि जब इस वीडियो की जांच की गई तो यह बात झूठी साबित हुई। मीडिया रिपोर्टर्स का मानना है यह विवाद ताबीज को लेकर हुआ था और उस बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले लोग भी एक ही समुदाय के थे, जिसके बाद अभिनेत्री स्वरा भास्कर बुरी तरह ट्रोल हो गई हैं।